Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazreen. Welcome back to my channel Aisha Health with Beauty. तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। यकीनन आप दिन में एक से दो बार दांतों को ब्रश तो करते ही होंगे ताकि दांत साफ रह सके, मगर फिर भी कुदरती सफेदी वापस नहीं आती और दांत गंदे नजर आते हैं। अगर ऐसा है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपके दांतों को चमकाकर आपकी मुस्कुराहट को रोशन कर देगी, या यूं कह लें कि दांतों को जगमगा देगी। तो बिना वक्त जाया किए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले जो चीज आपने लेनी है वो है तिल। सफेद तिल आपने लेने हैं। ये वही सफेद तिल हैं जिनके लड्डू बहुत लजीज होते हैं, पंसार स्टोर से बासानी ये मिल जाते हैं। सफेद तिल आपके दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे दांत साफ तो होते ही हैं, बल्कि ये दांतों को मजबूत भी बनाते हैं और ये आपके दांतों से टार्टर और डेंटल प्लाक भी रिमूव करते हैं। थोड़े से तिल लेकर आपने पीस लेने हैं। बस आधा चम्मच आप पिसे हुए तिल लेंगे। अब जो चीज आपने लेनी है वो है साल्ट, यानी कि नमक। नमक दांतों के लिए बहुत ही मुफीद होता है और एक हद में रहकर इस्तेमाल किया जाए तो दांतों को चमकाता भी है और मजबूत भी बनाता है। बस एक चौथाई चम्मच आपने नमक का लेना है। अब जो चीज आपने लेनी है वो है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल आपने लेना है, बाजारी जेल आप यूज नहीं करेंगे। एलोवेरा जेल दांतों की सफाई के लिए बेहतरीन शय है। इससे दांतों की सफाई भी होती है और दांतों पर जो टार्टर जमा होता है वो भी खत्म होता है। एक चम्मच के करीब आपने ये जेल लेना है। अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है क्लव्स पाउडर, यानी पिसी हुई लौंग। लौंग आपके दांतों का दर्द भी खत्म करती है, दांत मजबूत भी करती है और दांत साफ भी करती है। बस एक चुटकी आपने लौंग का पाउडर इसमें डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। जब ये मिक्स हो जाए तो इसे किसी ब्रश पर लगाएं और इससे दांत ब्रश करें। अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट तक दांत ब्रश करना है, फिर सादा पानी से कुल्ली कर लें। एक ही बार के इस्तेमाल से आपके दांत चमक जाएंगे, दांतों पर जमा टार्टर और प्लाक भी साफ होगा। ये बहुत ही नेचुरल और पावरफुल होम रेमेडी है। रोजाना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं क्योंकि मैंने इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज नहीं डाली है। हर उम्र के अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस छोटे नाबालिग बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाइएगा। आप इसे जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।